Hello students, today I will teach you polynomial. It is your chapter 2 from class 9th. सबसे पहले हम polynomial की बात करेंगे. Polynomial किसे कहते हैं? तो polynomial क्या है? An algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral power. अगर किसी भी expression की power non-negative है, तो वो क्या कहलाता है? Polynomial कहलाता है. ठीक है? और polynomial are denoted by px, qx, rx और etc. जो पॉलीनोमियल का उसे हम इस तरीके से लिखते हैं. आगे मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से क्या होगा. यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पॉलीनोमियल होता है वो क्या होता है, उसकी पावर हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है. ठीक है? और उसमें फिक्स टर्म होते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. यहाँ पर देखिए, ये एक्सप्रेशन है जो ये क्या पॉलीनोमियल है या नहीं. तो ये पॉलीनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? फिक्स टर्म. यहाँ फिक्स टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म फिक्स टर्म है. तो ये क्या है? पॉलीनोमियल है. और साथ ही इसमें देखिए पावर क्या है? पॉजिटिव. यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी पावर 2 है जो कि पॉजिटिव नंबर है. इस x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए पॉलीनोमियल है. नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पर देखिए ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है. तो क्या हम इसे पॉलीनोमियल कह सकते हैं? तो देखिए हम इसे पॉलीनोमियल नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है तो उसकी पावर क्या है? नेगेटिव है. ठीक है? नेगेटिव पावर होने की वजह से ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलीनोमियल नहीं है. नाउ लेट्स सी थर्ड एग्जांपल. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? इसकी पावर नेगेटिव है. और दूसरी बात यह है कि इसकी पावर क्या है? इंटीजर भी नहीं है. पावर क्या है? आधी देर की है. तो इसलिए क्या है? पॉलीनोमियल नहीं है. ठीक है? तो पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी पावर क्या हो? पॉजिटिव हो. पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए. और उसमें क्या होनी चाहिए? फिक्स टर्म. ठीक है? फिक्स टर्म होना चाहिए. और पावर आधा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है? यानी इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जीरो से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. जीरो के बाद के आपके क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. ये आपको पता ही है. तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, यानी कि पावर क्या होनी चाहिए? 1 से ऊपर होनी चाहिए. क्लियर हो गया आपका? नाउ अब बात आती है कि पॉलीनोमियल जो होते हैं उसे किस तरीके से डिनोट किया जाए. तो ये आपका पॉलीनोमियल है. ठीक है? तो इसको हम पूरे पॉलीनोमियल को लिख सकते हैं px. px इक्वल्स टू 3x की पावर 2 प्लस 9x की पावर 1 प्लस 1. ठीक है? इस तरीके से हम पॉलीनोमियल को डिनोट करते हैं. px से कर सकते हैं. यहाँ पर आप qx भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप rx लिख सकते हैं. अपने तरीके से यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं. यहाँ अंदर पे क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा. जो वेरिएबल यहाँ होगा, अगर यहाँ x में दे रखे हैं तो यहाँ x होगा. अगर यहाँ पर सपोज t होता, यानी कि 3t का स्क्वायर प्लस 9t की पावर 1 प्लस 1 अगर होता, तो यहाँ पर हम qt लेते. ठीक है? तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. क्लियर हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ. तो आपने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलीनोमियल है या नहीं. तो बताइए ये पॉलीनोमियल है या नहीं. तो देखिए यहाँ पर x की पावर क्या दे रखी है? हाफ में दे रखी है, 3/2 में दे रखी है, पार्ट में दे रखी है. इसका मतलब ये पॉलीनोमियल नहीं है. ठीक है? और यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन में 10x की पावर -2 प्लस 10 ये एक्सप्रेशन है आपका. इस एक्सप्रेशन को हम पॉलीनोमियल नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? नेगेटिव है. इसलिए ये भी पॉलीनोमियल नहीं है. नाउ थर्ड एग्जांपल. अब बताइए क्या ये पॉलीनोमियल है? तो देखिए ये पॉलीनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है 3 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से और साथ ही फिक्स टर्म है. इसमें एक टर्म और दो टर्म है, फिक्स टर्म है, इसलिए क्या है? पॉलीनोमियल है. करेक्ट? अब यहाँ पे बात आती है पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पर लीनियर पॉलीनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, क्यूबिक होता है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है. और भी पॉलीनोमियल्स हो सकते हैं. तो ये मेन पॉलीनोमियल्स हैं और इसके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हम इसको लिखते हैं. तो देखिए लीनियर पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? लीनियर पॉलीनोमियल उसे कहते हैं जिसकी पावर क्या हो? 1. ये आपका वेरिएबल कहलाता है. अननोन नंबर, अननोन नंबर यानी कि अल्फाबेट में जो नंबर दे रखे होंगे वो क्या है? वेरिएबल है. क्योंकि वो क्या है? अननोन है. उनका हमें कोई वैल्यू पता नहीं है कि ये 3 है कि 9 है कि 2 है.
ठीक है, तो ये वेरिएबल कहलाता है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या 1 है, यहाँ पर देख लीजिए x की पावर 1 है, तो इसलिए इसको कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें पूरे पॉलीनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होगी, यानी कि यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है पूरे पॉलीनोमियल में, हाईएस्ट पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल किसे कहेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल वो पॉलीनोमियल है जिसमें पूरे पॉलीनोमियल, ये पूरा एक क्या है पॉलीनोमियल है, इसमें मैक्सिमम पावर जिसकी क्या हो 3 हो। तो देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर अगर 3 है एक पॉलीनोमियल में, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो वो कहलाता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब देखते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो पॉलीनोमियल होते हैं जिस पॉलीनोमियल में मैक्सिमम पावर 4 होती है, तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर क्या है 4 है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये आप समझ गए होंगे डिग्री मीन्स क्या होता है, जिस पॉलीनोमियल में मैक्सिमम पावर जो होगी उसे उस पॉलीनोमियल की डिग्री कहते हैं। सपोज ये आपका पॉलीनोमियल है, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री बताओ, तो आप कहेंगे 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 1। अब मैं बात करता हूँ इस दूसरे की, मैं कहता हूँ इस पॉलीनोमियल की डिग्री बताओ, तो आपने देखा एक्स की पावर 2 या एक्स की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। अब इसकी डिग्री आप बता सकते हैं इसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम डिग्री क्या हो गई 3, क्योंकि पावर सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 3। अब इस पॉलीनोमियल की डिग्री आप बता सकते हैं, तो इसकी डिग्री है 4, जो कि मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होती है डिग्री। तो ये आप क्लियर समझ गए होंगे, तो लीनियर पॉलीनोमियल किसे कहते हैं जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किसे कहते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, क्यूबिक पॉलीमर किसे कहते हैं जिसकी मैक्सिमम जो डिग्री होती है यानी कि मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, ठीक है, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलीमर किसे कहेंगे जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 4 है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हियर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पे हम पॉलीमर को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉलीमर मोनोमियल पॉलीमर किसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, यानी कि जैसा मैं लिख रहा हूँ 3x की पावर 2, सिर्फ इतना ही, तो इसको कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल किसे कहते हैं जिसमें क्या होते हैं दो टर्म्स, यानी कि जैसे मैंने कह दिया 9x की पावर 2 + 4x कह सकते हैं, तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दो टर्म है, इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल मीन्स तीन टर्म वाला कैसे हो सकता है, जैसे 10x की पावर 4 कह दिया मैंने, यहाँ मैंने कह दिया 9x और यहाँ कह दिया मैंने 4, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, तो तीन टर्म वाला है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। तो पॉलीनोमियल में आप ये भी जानेंगे मोनोमियल किसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, बाइनोमियल किसे कहेंगे जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं जिसमें तीन टर्म होते हैं 1, 2 और 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात आती है कोफिशियंट, कोफिशियंट किसे कहेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक पॉलीनोमियल है, ये एग्जाम्पल है, तो मैं कह रहा हूँ कोफिशियंट बताओ, कोफिशियंट बताओ x³ का कोफिशियंट क्या होगा, तो जो इसके आगे जो नंबर लिखा हो गया वो उसका क्या होगा कोफिशियंट होगा, तो x³ का कोफिशियंट क्या होगा, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो x³ का कोफिशियंट क्या हो गया 1। ठीक है, मैं कह रहा हूँ x² का कोफिशियंट बताओ, तो x² के आगे क्या रह गया 3, तो मैं x² का कोफिशियंट क्या होगा 3 होगा। यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि x का कोफिशियंट बताओ, तो आप क्या कहेंगे 3, ठीक है, x का कोफिशियंट क्या हो गया 3 हो गया। तो कोफिशियंट मतलब आप क्लियर समझ गए होंगे कि जैसे x³ का कोफिशियंट कह रहा हूँ तो वो 1 हो गया, x² का कोफिशियंट कह रहा हूँ तो वो 3 हो गया, एक्स का कोफिशियंट कह रहा हूँ तो ये 3 हो गया। अब जो ये जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होता, यानी कि एक्स वाई जेड या कोई भी अननोन नंबर नहीं होता है, ये कहता है कांस्टेंट, ये आपका क्या कहलाता है कांस्टेंट कहलाता है, ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता साथ में वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर, नाउ वन एग्जांपल फॉर यू। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपका एक पॉलीनोमियल है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि x² का कोफिशियंट बताओ, x² का कोफिशियंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे -9। मैं कह रहा हूँ x का कोफिशियंट बताओ, तो आप बताइए x का कोफिशियंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 4, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ
वन मोर एग्जाम्पल, ये भी एक पॉलीनोमियल है। अब आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि x की पावर जो 5 है उसका कोएफिशिएंट बताओ। तो x की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, -3, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए कोएफिशिएंट होगा -3। अब मैं कह रहा हूँ x का कोएफिशिएंट बताओ, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, -8। तो ये आपको रखना है याद कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसका कोएफिशिएंट आपने निकालना होगा। क्लियर। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.1 एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन इसमें पॉलीनोमियल है विद वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल हो। वेरिएबल मीन्स मैंने आपको बता दिया है वेरिएबल किसे कहते हैं, जो अल्फाबेट नंबर्स होंगे वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो अननोन नंबर है, उसकी आपको वैल्यू नहीं पता होती है। तो वेरिएबल मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वन वेरिएबल का बोला हुआ है, तो पूरे पॉलीनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अगर एक्स लेयर का है तो एक्स में होना चाहिए, अगर वाई होगा तो वाई में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्स वाई अगर साथ होंगे तो वो दो वेरिएबल का पॉलीनोमियल कहलाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना होगा, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ बोला हुआ स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपने रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये पॉलीनोमियल है कि नहीं। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि जो पावर है यहाँ पर 2 है और इस x की पावर 1 है, तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या है, पॉलीनोमियल है। तो लिखेंगे यस द एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल x, ठीक है, वन वेरिएबल x लिख देंगे आप, क्योंकि देख लीजिए ये पॉलीनोमियल है और इसमें सिर्फ किसका यूज किया गया है, एक्स का ही यूज किया गया है, इसलिए ये पॉलीनोमियल भी है और साथ में सिर्फ एक ही क्या है वेरिएबल का है, वो भी क्या एक्स वेरिएबल के साथ लिया गया है। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। नाउ योर सेकंड इज दिस बी, अब तो आप बता सकते हैं कि ये पॉलीनोमियल है कि नहीं। तो ये पॉलीनोमियल है क्योंकि इसकी जो वाई की पावर है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, इसलिए क्या है पॉलीनोमियल। लिखेंगे यस द एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है आपका वाई, ठीक है, अननोन नंबर सिर्फ वाई है, तो वाई, ठीक है। अब आपका जो सी पार्ट है इसको देखते हैं, ये वाला है, तो क्या है ये पॉलीनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये t की पावर रूट दे रखी है, तो t में रूट दे रखा है, इसका मतलब जो t की पावर है वो क्या है, हाफ है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर क्या है, आधी है, फिर प्लस दे रखा है, फिर t दे रखा है, फिर रूट 2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर t की पावर आधा है, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो हमें पता है कि जो पॉलीनोमियल होता है उसकी पावर आधा नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से, और यहाँ पर पावर क्या दे रही है, आधा, इसलिए पॉलीनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पावर इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर सो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, तो ये पॉलीनोमियल नहीं है, करेक्ट। नाउ योर फिफ्थ पार्ट इज दिस, फिफ्थ पार्ट में आपका दे रखा है y, फिर प्लस दे रखा है, फिर 2 बाई y, यानी कि y की पावर क्या होगी, 1। अगर इस y को ऊपर ले जाता हूं मैं इस 2 के साथ, यहां पर 2 है, इस y को ऊपर ले जाता हूं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, यहां 1 है तो ऊपर जाने पर -1 हो जाएगी। तो यहां पर देख रहे होंगे कि इस y की पावर तो 1 है, इस y की पावर -1 है, तो इस पूरे पॉलीनोमियल में इसे पॉलीनोमियल कब कहेंगे, जब इसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ तो क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसका मतलब है ये पूरा पॉलीनोमियल नहीं है, ये पॉलीनोमियल नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल नहीं है बिकॉज इट्स पावर इज नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए पॉलीनोमियल नहीं है, करेक्ट। मैंने आपको पॉलीनोमियल की डेफिनेशन बता रखी है कि पॉलीनोमियल किसे कहेंगे, जिसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, उसी को क्या कहते हैं,
पॉलीनोमियल कहते हैं, नहीं तो वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो फिफ्थ पार्ट है इसे आपने खुद सॉल्व करना है। तो मैं ऑरली बता देता हूँ कि देखिए ये एक पॉलीनोमियल तो है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। 10 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, और 50 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तो पॉलीनोमियल तो है, बट इसमें क्वेश्चन ने कहा था कि वन वेरिएबल का भी होना चाहिए, तो इसमें वन वेरिएबल का नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स भी ले रखा है, वाई भी ले रखा है, टी भी ले रखा है। तो यहाँ कितने वेरिएबल ले रखे हैं, एक्स वाई और टी, तीन वेरिएबल लेने की वजह से ये क्या नहीं है, वन वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, पॉलीनोमियल तो है पर एक वेरिएबल का नहीं है, तीन वेरिएबल के साथ है, एक्स वाई और टी के साथ है। अगर यहाँ तीनों एक्स में होते तो ये पॉलीनोमियल के साथ एक ही वेरिएबल का कहलाता। ठीक है, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में आपने, इन फोर पार्ट में आपने एक्स स्क्वायर क्या बताना है, कोएफिशिएंट। तो मैंने कोएफिशिएंट के बारे में आपको पहले ही बताया हुआ है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वन होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है ना, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, वन। तो पहले का आंसर तो ये होगा। इसी प्रकार की लैंग्वेज बना के आप ये बी वाला करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसको तरीके से लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो वन मानते हैं, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस वन। तो माइनस वन इसका आंसर होगा। ठीक है, और इस वाले में, इस पॉलीनोमियल में आपने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो बताना है, तो एक्स स्क्वायर के बाद आपका क्या छोटा, पाई बाई टू, तो इसका आंसर होगा पाई बाई टू। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता रखा है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स की पावर टू तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो। जब वो है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज दिस, गिव वन एग्जाम्पल। आपने एक एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ ए बाइनोमियल, किसका देना है, एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल के देना है जिसमें डिग्री क्या हो, 35 हो, और एक दूसरा एग्जाम्पल देना है, वो देना है आपने मोनोमियल का जिसमें डिग्री क्या हो, 100 हो। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल का देते हैं, तो वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल, तो बाइनोमियल किसे कहते हैं जिसमें क्या हो, दो टर्म हो। तो यानी कि अगर सपोज मैंने लिखा एक्स की पावर 35 + 3 लिख दिया मैंने, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है जिसमें दो टर्म है। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म वाला, तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो दो टर्म वाला हो गया। फिर क्वेश्चन लिखा था उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। डिग्री का मतलब है पूरे पॉलीनोमियल में मैक्सिमम जो पावर है वो 35 होनी चाहिए, तो मैंने इसमें पूरी पॉलीनोमियल में मैक्सिमम 35 लिख दी। तो ये एक एग्जाम्पल हो चुका है। अब है मोनोमियल का, वन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, इसमें दो टर्म थे, इसमें एक ही टर्म होना चाहिए, बोला है डिग्री 100, तो कोई भी ले लो, वाई की पावर 100 ले लो। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, जिसमें मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, कहा था कि उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने पावर 100 लिख दी। क्लियर, नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। इन सब पॉलीनोमियल की आपने डिग्री बतानी है, तो डिग्री मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ, जिस पॉलीनोमियल में मैक्सिमम जो पावर होगी वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका 5x³ + 4x² + 7x, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इस क्या होगी, इस पॉलीनोमियल की डिग्री आप बता सकते हो क्या होगी। तो यहां पर देख लिया x³, x² + x² + 1, तो जो इसमें मैक्सिमम जो पावर होगी वही पॉलीमर की डिग्री कहलाती है, इस पूरे पॉलीमर की वही क्या होगी, डिग्री। तो मैक्सिमम क्या पावर है, 3, तो इस पूरे पॉलीमर की जो डिग्री है वो क्या है, 3। ठीक है, अब आप सेकंड में भी ऐसे ही लैंग्वेज बनाएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इस पॉलीमर की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, तो वाई की पावर 2 दे रखे, इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी। यहाँ पर देख लीजिए टी की पावर कुछ नहीं, 1 है, तो इस पूरे पॉलीमर में हाइस्ट डिग्री क्या होगी, 1। ठीक है, और इस पॉलीमियल में डिग्री बतानी है, तो देख लीजिए इसके साथ कोई भी क्या नहीं लिखा हुआ है, वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड यानी कि अननोन नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ है,
कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 3A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट एक टर्म है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं होगी, तो इसलिए जीरो। क्लियर? नाउ इट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीमर। आपने बताना है कि ये पॉलीमर क्या है, लीनियर है, क्वाड्रिक है या क्यूबिक है। तो देखिए, लीनियर मीन्स होता है जिसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1, और क्वाड्रिक कहता है कि मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, और जो क्यूबिक पॉलीमर होता है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 3, ठीक है, यानी कि डिग्री, डिग्री कह सकते हैं। लीनियर में डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए और क्यूबिक में 3। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पॉलीमर में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, क्योंकि इस एक्स की पावर तो 1 है, तो इस पूरे पॉलीमर में मैक्सिमम 2 है, इसलिए क्या है, एक क्वाड्रिक पॉलीमर। तो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलीमर, ठीक। अब आप चलते हैं सेकंड पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस एक्स की पावर 1 है, तो इस पूरे पॉलीमर में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो जब मैक्सिमम पावर 3 होती है, यानी कि डिग्री जब 3 होती है, तो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलीमर। तो ये आपको कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, एक वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसके वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें एक्स की पावर 1 है, तो आप बता सकते हैं कि जिसमें x की पावर, मतलब जब पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर। तो ये आपका लीनियर हो गया। इसी प्रकार आपका यहाँ देखेंगे, यहाँ पर t की पावर 1 है, कुछ नहीं देखिए तो 1 है, तो जिसकी पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो उसे कहते हैं लीनियर। तो ये आपका क्या है, लीनियर। इसी प्रकार आप इसको और इसको आप खुद करके देखिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।